पिशीन गोई याद कर लें ये पंजाब में से एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे आपके पास कोई सोर्स है तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया और दर्दनाक और बड़ी अफसोसनाक खबर है दौर में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो खतरा है वो उसकी बुनियाद मजहब होगा ये निशान नहीं होना चाहिए जी ताद का नाम नहीं होना चाहिए सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए मैं तो वो ये कहते हैं कि यार इन्हें तो जितना ही नहीं मौलवी ने ऐसी वोट जाया क्यों करिए अपनी अपनी फ़िका की बालादस्ती को छोड़ें मुल में फाशी नहीं होनी चाहिए और यानी नहीं होनी चाहिए सूद नहीं होना चाहिए टकैती नहीं होनी चाहिए चोरी नहीं होनी चाहिए इन बातों पर तवाक़ है बसमिल्लर ये जो बात आपने की है ना मैंने इसलिए बिसमिल्ल पढ़ी है कि ये काम अल्लाह ताली इसमें शायद बरकर डाल दें बिसमिल्लम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ यासर सुल्तान आज के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं इलामा श्यामला जहीर साहब किसी तार्फ़ के मोहताज नहीं है और बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है एन उस वक्त पे जब इलेक्शन करिए और बड़ा ही अहम इंटरव्यू है जी आप इसको एंड तक लाजमी देखिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा अलैक्म कैसे हैं साहब अल्लाह अल्लाह का का एहसान अच्छा लामा साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़लस्ती का एक इशू है उमत मुसलमा के ऊपर पड़ा है कश्मीर का भी आया था और वक़्त के साथ माद पड़ गया जो हम कश्मीर को भूल चुके हैं कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा जो हालात हैं अब फलस्तीन है वक्त के साथ साथ ये आप भी मानेंगे कि ये भी ठंडा पड़ गया आज उम्मत नहीं इसके ऊपर बात कर रही क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो बड़ा आलमी है और बड़ा अफसोसनाक मुकाम है पूरी उम्मत के लिए कि फलस्तीन का मसला आज किसी भी इस्लामी मुल्क का मसला नहीं रहा आज किसी इस्लामी वतन का मसला भी नहीं है अगर इस्लामी मुल्क या इस्लामी वतन का मसला भी नहीं है तो कम अज कम मुसलमानों को यह सोचना चाहिए मुसलमानों की मस्जिद का मसला तो है ना तो मुसलमानों के किबला अव्वल का मसला भी अगर नहीं सोचना तो एक आम मस्जिद का मसला तो सोचे तो अगर एक आम मस्जिद का मसला भी सोचते तो फिर भी मुसलमान उम्मत पूरी की पूरी बेदार हो जाती वो मुसलमान उम्मत जिसका माजी इस बात का गवाह है कि बर सगीर के ऊपर हमला मोहम्मद बिन कासिम ने एक बेटी की पुकार पर

इस मसले से आप समझ आइए आई कि आईना आने आने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो खतरा है वो उसकी बुनियाद मज़हब होगा और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर भी जो बुनियादी मेन आप ये समझ लें फ्रीक होंगे उनमें मुसलमान यहूदी और ईसाई लाजमी होंगे और ये कदिया और ये मसला अब बहरहाल इस सतह पे उठ चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को पूरी कुत और ताकत से बेदार होकर एक मरतबा इस मसले को अब हल कर लेना चाहिए मतलब कब आपको कितनी देर नज़र आ रही है क्योंकि जो उधर हालात है ना आज तो हमारा मीडिया भी बात करने से खामोश हो चुका है कोई नहीं बात करता और 500 मिलियन डॉलर अभी दो तीन दिन पहले की बात है हमारे मीडिया को मिल चुका है यहूदी मीडिया से तो कैसे बात होगी बुनियादी तौर पर इसका तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मिल चुका है लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स है तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया और दर्दनाक और बड़ी अफसोसनाक खबर है मैं ये समझता हूँ कि इन श जिस तरह पूरी मुसलमान उम्मत ने फलस्तीन के मसले के ऊपर बाहर नागुफ्ता बेहत के बावजूद एक बेदारी का सबूत दिया सिर्फ अपने पाकिस्तान के अंदर तमाम दीनी जमातों ने इतनी इतनी बड़ी रैलीस का और इतने इतने, इतने बड़े योम यकजहती फलस्ती मार्च का जो ऐलान किया है नहीं वो तो कम हो रहे हैं लेकिन अल्लाह के फलोक से उन्होंने बेदारी का सबूत दिया है और यही होता है कि अब हमने इस साइड पे इस पलड़े पे अपना वजन रखना और इस तरफ अपना रुझान रखना है तो मैं ये समझता हूँ अगर सारी मुसलमान उम्मत आज इस मसले को इस तरह डील करे कि कोई हमास नहीं, नहीं है कोई सेल्फी नहीं है कोई जी एंटी अखवानी नहीं है कोई जी अखवानी नहीं है ये सारे मसले अगर इस तरह सॉल्व हो के मुसलमान उम्मत एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा चलें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप नहीं समझते कि इस इलेक्शन के अंदर ये जितनी भी जमातें निकली हैं रैलियां है, निकाली हैं तो इन जमातों को अगर इकतदार मिल जाए तो फिर किसी के इनको ना तरले मिनते नहीं करनी पड़ेंगी ये फलस्तीन खुद ही चले जाएंगे जैसे इनका बयान नहीं है तो आप समझते नहीं कि इस इलेक्शन में जान मार देनी चाहिए ये जो बात आपने की है ना मैंने बिस्मिल्ला पढ़ी है कि ये काम अल्लाह तला इसमें शायद बरकत डाल दे और बिस्मिल्ला की बरकत डाल दे बुनियादी तौर पर ये जो आपने सवाल किया ना मजबी जमाते हैं जो रैलियाँ निकाल रही हैं इनको इकतदार मिल जाए अल्लाह करे इनको इकतदार मिले लेकिन ये इकतदार मेरी नज़र में उस वक्त तक मिलना नामुमकिन है जब तक ये खुद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और खुद एक दूसरे के साथ इतहाद नहीं करेंगे मैं इस फील्ड के अंदर कम वैश दो साल से मज़बी जमातों को एक करने की स्ट्रगल और तगो कर रहा हूँ और मुझे अब बाकी ये अंदाजा हुआ ये एक बहुत मुश्किल काम है और बड़े बड़े छोटे छोटे जो हैं वो छोटी छोटी बातों के ऊपर इतिहाद नहीं हो पाता नहीं। ये बहुत बड़ा दुख है आलमी है देखें कुरान एक है रसूल एक है मकसद एक है कौद एक है कि मुल्क के अंदर चलें अपनी अपनी फिका की बालादस्ती को छोड़ें मुल्क में फाशी नहीं होनी चाहिए उरियानी नहीं होनी चाहिए सूद नहीं होना चाहिए टिकेती नहीं होनी चाहिए चोरी नहीं होनी चाहिए इन बातों पर तफाक है तो बस भी जमाते इन इश्यूज पे एक क्यों नहीं होती अगर फिर भी अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना है तो आप मेरी आज प्रिडिक्शन पिशीन गोई याद कर लें ये पंजाब में से एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे मजहबी जमातें जमाते। एक सीट भी नहीं जीत पाएंगी पंजाब से अगर ये अलग अलग इलेक्शन लड़ती रहे तो लड़ते रहे तजर्बे करते रहे बिल आखिर बिल आखिर दीनी और मजहबी जमातों को एक पेज पे आना होगा तब ही अवाम इनको कबूल करेगी मतलब तहरीक लब अगर वो कहती है कि और गैलप सर्वे, सर्वे ने भी बताया कि वह दूसरे नंबर पर है लेकिन वो भी नहीं जीत पाएंगे मैं आपको प्रोडिक्शन कर रहा हूँ आप मेरी ये बात लिख लें इलेक्शन में कुछ ज्यादा देर नहीं एक सीट भी नहीं मिलेगी एक सीट भी जमा इस्लामी हो तेरीके बैक हो राहे अक पार्टी हो मैं जमीयत हो, हम अलग अलग इलेक्शन लड़ते ने अवाम की एक साइकी है पंजाब की एक बात याद रखना यासर भाई पंजाब की अवाम की साइकी है वो पाकिस्तान पंजाब के अंदर उस शख्स को वोट देते हैं जिसके जीतने का इम्कान हो वो ये कहते हैं कि यार इन्हें तो जितना ही नहीं मौलवी ने ऐसे वोट दया क्यों करिए तो ये एक हवा को तोड़ने को और इस तसुर को ब्रेक करने के लिए तमाम दी जमातों को एक होना पड़ेगा फिर तो नवाज शरीफ इसका मतलब नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान हो या पीपल पार्टी हो वो तीनों जमातें तो कोई भी आएगा तो वो सेकुलर पार्टी है और वो तो अगर आ, आ रहे हैं किसी इनमें से ही आना ना अगर दीनी जमातें एक नहीं होंगी तो वो आ गए आप तीनों को एक तरादू में तोलें आप यूं कहें कि अगर दीनी जमाते नहीं तो फिर तो सेकुलर आ गई तो आ गई हैं तो अभी भी अगर दीनी जमातों ने नहीं जागे ना तो फिर उनको आने दें उनको वेलकम करें मैं तो ये कहता हूँ कि दिन दीनी जमातों को फिर स्ट्रगल मेहनत छोड़ देनी चाहिए अगर आप आपस में एक नहीं हो सकते और आपके छोटे छोटे तहफात हैं कि जी ये निशान नहीं होना चाहिए जी इतहात का नाम नहीं होना चाहिए जी सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए मैं तो मीडिएटर के तौर पर ये काम काफ़ी अरसे कर का रहा हूँ तो ये जो अगर आप इस तरह चलते रहें तो फिर आप खुद ही सेकुलर जमातों को जगह दे रहे हैं तो बे लाहर जो छोटी मजहबी जमातें होंगी या दीनी जमातें होंगी उनको भी सेकुलर जमातों फिर वो ये कहेंगे जी ये तो इतहात करते नहीं हम भी इनके साथ मिल जाते हैं तो वो वोट बैंक भी उनको शिफ्ट होना सेकुलर पार्टियों को